नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र और आप देख रहे हैं मेरे गांव का आज का मौसम। और मैं आपको दिखा रहा हूं थोड़ा मैं अपने गांव के घर के पीछे का ये सब सीन। अगर आप देखिए ये किस चीज़ की खेती है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं ज़रूर कि ये किस चीज़ की खेती है, क्या आप इसे जानते हैं। और आइए हम आपको ले चलते हैं अपने बगीचे में। इधर देखिए ये है उन्नति और सामने है मेरे बड़े पिताजी, और इधर आ जाइए देखिए ये सब मड़हा वगैरह छाया हुआ है, पशुओं के रहने का स्थान है। ये उन्नति आज दतुइन कर रही है। और आइए देखिए इधर है गेहूं की खेती, इसमें देखिए वो सामने खड़ा है बिजूका, जो नील गाय होती हैं उनसे बचाने के लिए अपनी फसल को किसान लोग लगा के रखते हैं। और ये है देखिए हम लोग का बगीचा, सामने ये पूरा बगीचा हम लोग का है और इसमें बांधे हैं हम लोग गाय भैंस, ये सब बंधे हुए हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं आ गई है उन्नति फिर से वापस। हाय दोस्तों, मैं हूँ और मैं हंसा टीचर और मैं ऐसे हूँ और मैं मज़ा आ रहा है मेरे और खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये भी देखिए इधर ये पीछे बगीचे के साइड का हिस्सा है, यहाँ पे है बांस की कोठियाँ। ये जो आप देख रहे हैं सामने बांस की कोठ, आम का पेड़, और इधर देखिए ये है गढ़ही जिसको तालाब बोलते हैं लेकिन गांव में हम लोग गढ़ही बोलते हैं। और यहाँ पे पाथा जाता है ऊपरी। और इधर देखिए इधर भी है सब पूरा बांस का कोट। और छुट्टा पशु आजकल बहुत हो गए हैं, देखिए कैसे बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, धूप हो रही है, मस्त आराम में बैठे हुए हैं। और सुबह सुबह हमारे बगीचे में आया है एक मोर, तो ले चलते हैं मोर की तरफ। ये देखिए कितना हमारा सुंदर राष्ट्रीय पक्षी मोर इस समय अपने भोजन की तलाश में निकल चुके हैं। तो गांव का भाइयों बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य होता है, और यहां का वातावरण भी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत पक्षी मोर है, कैसा धूप उगा हुआ है, बहुत ही सुंदर मौसम है। गाय भैंस सब आराम से अपना पागुर कर रही हैं।